हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूं मेरठ में, देख सकते हैं यहां से मेरठ स्टार्ट हो जाता है और ये जा रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। यहां से मतलब कि एंड हो जाता है ये मेरठ में आके, और ये हमारे दिल्ली के सरायकाले खां से स्टार्ट होता है और इसी को ये क्रॉस करेगी अब RRTS रैपिड रेल, देख सकते हैं इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगी, जो कि ये सारे पिलर बन चुके हैं, ये वाले बचे हुए हैं, इन पर आधे पिलर बन गए हैं ये देख सकते हो, और ये जा रही है रेलवे लाइन। इस रेलवे लाइन को ये क्रॉस करेगी RRTS और उसके बाद में देखो वो पिलर बना दिए जा चुके हैं। तो ये वाले पिलर बचे हुए हैं, अभी इनका फाउंडेशन बन गया है, आधे तो ये खड़े कर दिए क्योंकि यहाँ पर इनकी हाइट ज़्यादा है, तो इस वजह से ये क्योंकि ये एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को पूरा मेरठ सिटी का व्यू देने वाला हूं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये काम चल रहा है यहां पर RRTS का दोस्तों। देखो यहां पर ये बीम डाले जाएंगे बीच में, इधर भी बीम डाला जाएगा, और बीम डालने के बाद में फिर इस पर वो रख दिया जाएगा दोस्तों, ये देख सकते हो तस्वीरें, कुछ ये सीन है यहाँ का ऐसा। देखो वो सारे पिलर चमक रहे हैं ना, लास्ट में उधर ही चल रहे हैं, और आपको दिखाएंगे चाहे के प्रतापपुर का स्टेशन कितना बन के कंप्लीट हो चुका है। तो आप बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। तो चलो चलते हैं आगे और फिर दिखाते हैं चल के आप सभी को। देखो दोस्तों उधर से आ रहे हैं वो मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके, ये RRTS इस तरीके से ये यहाँ से देखो क्रॉस करेगी और ये आ गई यहाँ पर, ये देख सकते हो ये ऐसे, और ये आगे जाके प्रतापपुर का स्टेशन आ जाएगा और ये आ जाता है मेरठ की लाइन, ये इंडियन रेलवे की ये लाइन है और उस पर ये फ्लाईओवर बना हुआ है। तो देख सकते हो वहाँ से क्रॉस कर रही है और इस तरीके से ऐसे आ गई है, और यहाँ पर देख सकते हो पियर कैप का काम भी हो चुका है, ये वाला पियर बचा हुआ है, आगे भी पियर बचे हुए हैं। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं चल के आप सभी को। दोस्तों प्रतापपुर का स्टेशन
RRTS का देख सकते हो, इस पर कौन कौन से लेवल का तो काम पहले ही कर लिया गया था, अब प्लेटफॉर्म लेवल का काम किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो कुछ, ये सारे पिलर ये पे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं और आगे पड़ रहा है सामने सूरज, तो ज़्यादा क्लियर नहीं चमक रहा है। तो अभी इधर तो काम बिल्कुल मंदा मंदा से चल रहा है, ज़्यादा काम नहीं चल रहा है। तो चलते हैं आगे रिठानी के स्टेशन को, दिखाते हैं चल के RRTS का, जो आगे रिठानी का स्टेशन आएगा उसको दिखाएंगे चल के। तो चलो चलते हैं। देख सकते हो दोस्तों, ये है रिठानी का RRTS का स्टेशन, इस पर कौन कौन से लेवल का काम हो चुका है, इस पर प्लेटफॉर्म लेवल का काम किया जा रहा है। और देख सकते हो साइडों में ये गटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है, देख सकते हो तस्वीरें, ये सारे में ही गटर लॉन्चिंग कर दी गई है, इन पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं चल के आगे क्या क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर। ये देख सकते हो कुछ ऐसा है ये रिठानी का स्टेशन, और ये पड़ता है दोस्तों मेरठ उत्तर प्रदेश इंडिया में, ये देख सकते हो। तो अभी इस पर प्लेटफॉर्म लेवल का ही काम चल रहा है, जो भी चल रहा है इस पर। और देख सकते हो इन पर ये गर्डर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है। तो अभी इस साइड में भी ये गर्डर लॉन्चिंग की जाएगी, तो प्लेटफॉर्म लेवल का ही इस पर वर्क चल रहा है, ये देख सकते हो कुछ ऐसा है ये रिठानी का RRTS का स्टेशन। और आपको बता दूँ दोस्तों के साइडों में भी देख सकते हो, वो वहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, वो देख सकते हो तस्वीरें उधर की साइड में, और इधर भी बनाया जा रहा है। तो दिखाते हैं चल के आपको आगे की साइड में, तो यही वर्क चल रहा है अभी रिठानी के RRTS के स्टेशन पर। दोस्तों देख सकते हो कि अभी जो बीच वाले जो बीम हैं वो भी डाले जा रहे हैं आगे की साइड में, और इधर की साइड में ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है उस साइड में। देखो ये पत्थर सारे ये ऊपर लगाए जाने हैं, सारे में ही ऊपर ये पत्थर लगाए जाएंगे। तो यही वर्क चल रहा है अभी इस रिठानी के स्टेशन पर, RRTS का जो स्टेशन बनाया जा रहा है। और इधर की साइड में ये देख सकते हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है उस साइड में, इधर तो नहीं बनाया जा रहा है अभी, इधर की साइड में नहीं बन रहा है अभी। तो ये देख सकते हैं ये जोड़ने का काम किया जा रहा है दोनों साइडों में पिलर को, कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है, ये देख सकते हो यहाँ पर ये सारे में ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस तरीके से। ये देखो ये बीम रख दिया इन्होंने बीच में,
ये बीच में रख देने के बाद में फिर थर्डों से ये जोड़ दिया जाता है दोस्तों। इस तरीके से ये जोड़ा जाएगा, इसमें सेटरिंग लगाई जा रही है जोड़ने के लिए, इसमें कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा और भर देने के बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और उस साइड में बनाया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो कुछ ये सीन है यहाँ का रिठानी के RITS के स्टेशन पर दोस्तों, देख सकते हो। क्योंकि वो प्लेटफॉर्म लेवल के जो आपको बता दूँ जो पटरियाँ हैं, जो ट्रैक है वो देखो ये है और बीच में रहेगा खाली, ठीक है ना। क्यों साइडों से ही आएगी जाएगी, तो बीच में भी इसमें वो कर दिया जाएगा फ्लोरिंग। तो यही सीन है यहाँ का, ये देख सकते हो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, ठीक है। अब चलते हैं आगे दिखाते चल के। तो अभी यही है कि आपको बता दूं कि ये जो बीम रख के ये बीच में ये बीम रख दिया जाता है, और बीम रख देने के बाद में फिर इसे साइडों में ये देख सकते हो कंक्रीट इसमें भर दिया जाएगा और फिर इसको जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे शताब्दी नगर का स्टेशन दिखाते हैं चल के, कि शताब्दी नगर के RITS के स्टेशन पर वहाँ कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है, वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों, KP संत लाता रहता है। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे। देख सकते हैं दोस्तों ये शताब्दी नगर का स्टेशन आने वाला है। और आप बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों, KP संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो ये स्टार्ट हो चुका है शताब्दी नगर का स्टेशन, और शताब्दी नगर के स्टेशन पर कितना कुछ वर्क हो चुका है वो आप लोग देख सकते हो, तस्वीरें ये देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर ये पिलर बनाए जाएंगे, ये पाइल किया जाएगा इधर की साइड में, ये देख सकते हो यहाँ पर ये फाउंडेशन बना दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।